जय भीम साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि मात्र 30 सेकंड में पगड़ी उर्फ सापा कैसे बांधा जाता है और कोंद मात्र 30 सेकंड में पगड़ी बांध सकता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर जरूर दबाएं। साथियों, राजस्थान के अंदर पगड़ी सापे को आन बान और शान के प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में शौर्य और पराकाष्ठ क्या क्या प्रतीक माना जाता है साफे को, लेकिन फैशन के दौर के अंदर वैवाहिक समारोह और अन्य समारोह के शुभ अवसरों पर भी साफे को बांधा जाता है। बीजापुर के संजय कुमार मात्र 30 सेकंड के अंदर साफा बांधने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं और अपना टाइम है घड़ी का काउंट कर सकते हैं कि मात्र कैसे 30 सेकंड में संजय साफा स्पेशलिस्ट के प्रोप्राइटर संजय कुमार बीजापुर पगड़ी बांधते। संजय बीजापुर पाली जिले के बीजापुर गांव के रहने वाले हैं और इनका खुद का संजय सापा स्पेशलिस्ट नाम से ऑल इंडिया में ऑर्डर बुक किया जाता है। आप खुद एक बार फिर से देख सकते हैं कि मात्र 30 सेकंड के अंदर किस प्रकार से ये साफे बांधे जाते हैं। संजय कुमार पाली जिले के बीजापुर के रहने वाले हैं और इनका जन्म मेघवंशी परिवार में हुआ है और ये ऑल इंडिया के अंदर अपने साफों के लिए वैसे जोधपुर पाली जयपुर सहित कहीं जगह पर साफों का कारोबार राजस्थान के अंदर बहुत ही उत्साह, लेकिन राजपूती और जोधपुरी साफों की राजस्थान के अंदर अक्सर डिमांड रहती है। आप इसका ऑर्डर कहीं से भी बुक कर सकते हैं। ये संजय बीजापुर हैं जो पाली के बीजापुर गांव के रहने वाले हैं और बाली इनकी विधानसभा है। साथियों, इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।